हेलो फ्रेंड्स, देखिए अभी हम ये फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर और कितना छोटा और कितना प्यारा सा है। इस फ्लावर को हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं और इस फ्लावर को हम छोटा इस तरह से टिकिया बनाकर स्वेटर भी बना सकते हैं, ब्लैंकेट भी बना सकते हैं, टेबल मैट भी बना सकते हैं। आप जो भी बनाना चाहे इस फ्लावर को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाए कैसे हैं। इसे बनाने के लिए येलो कलर का उल और ये क्रोशिया लिए हैं। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम फिंगर में इस तरह से मैजिकल रिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम ये आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैजिकल रिंग हम बनाते हैं। इस तरह से क्रोशिया को अंदर से निकालेंगे और एक फंदे से बंद कर देंगे। अब यहाँ पे 1, 2, 3 चैन लेंगे और फिर इसके अंदर ही डबल क्रोशिया से बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक लास्ट 14। देखिए 14 डबल क्रोशिया बुन लिए। अब इस ऊल को खींचकर हम मैजिकल रिंग बना लेंगे। देखिए खींचे तो ये पूरा सर्कल बन गया। अब ये सबसे लास्ट में जो हम चैन लिए थे उसमें लेकर इसको फिट कर देंगे। तो अब ये हमारा मैजिकल रिंग तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम यहाँ पे देखिए 1, 2, 2 चैन लिए। अब इसके बाद वाले में हम डबल क्रोशिया से इस तरह से बुन लेंगे। फिर हम 1 चैन लेके फिट करेंगे, ये लंबा सा खींचेंगे फंदे को और अब इसके अंदर हम 1, 2, 3, 4 फंदा लिए, एक साथ सबको बंद कर देंगे इस तरह से। और फिर हम एक चैन लेंगे यहाँ पे और इसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया हाफ क्रोशिया से इसको फिट कर देंगे। अब यहाँ पे 1, 2 चैन फिर से लेंगे और अब इसके बाद वाले में डबल क्रोशिया बुनेंगे एक, उसके बाद फिर से हम एक चैन लेके फिट करेंगे, फिर एक लंबा फंदा खींचेंगे और अब इसमें फिर से हम 4, 1, 2, 3, 4 फंदे लेकर एक साथ सबको बुन लेंगे, फिर एक चैन लेके फिट करेंगे और फिर इसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया से इसको फिट कर देंगे। देखिए फिर हम 1, 2 चैन लिए, इसके बाद वाले डबल क्रोशिया से इसमें हम बुने, फिर हम 1 चैन लेंगे, खींचेंगे धागे को उल को, फिर इसके अंदर हम 1, 2, 3, 4 देखिए फिर से सबको एक साथ फिट करके बंद कर देंगे। अब फिर से 1, 2 चैन लिए, अब इसके बाद वाले में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको फिट कर देंगे। देखिए तो हमारे इस तरह से फ्लावर बनने लगा। फिर से हम यहाँ पे 1, 2 चैन लेंगे और फिर से इसको डबल क्रोशिया से इसके बाद वाले में 1 बुनेंगे। अब 1 चैन लेके फिट करेंगे, एक लंबा खींचेंगे चैन को और फिर 1, 2, 3, 4
एक साथ सबको बंद करेंगे, फिर वन चैन लेंगे। अब इसके बाद वाले में डालेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर से वन टू चैन लेंगे, इसके बाद वाले में डालेंगे डबल क्रोशिया वन, फिर वन फंदा लेके खींचेंगे, फिर इसमें हम चार बुनेंगे वन टू थ्री फोर, फिर से सबको एक साथ बंद कर देंगे, एक चैन लेंगे और इसके बाद वाले में डालेंगे डबल क्रोशिया, एक चैन लेके फिट करेंगे, एक लंबा खींचेंगे, नहीं इसमें सॉरी यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से डालना था, देखिए सिंगल क्रोशिया यहाँ बुनना था, फिर वन टू चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया फुल क्रोशिया बुनेंगे, एक चैन लेके इसको फिट खींचेंगे लंबा, फिर इसमें वन टू थ्री फोर, देखिए फिर एक साथ सबको बंद करेंगे। अब ये इसे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से फिट कर देंगे, फिर वन टू चैन लेंगे, इसके बाद वाले में डबल क्रोशिया, फिर से वन चैन लेके फिट करके खींचेंगे। अब इसमें हम फोर बुनेंगे डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर, एक साथ सबको फिट करेंगे एक साथ इस तरह से, फिर से अभी इसके बाद वाले में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको फिट कर देंगे। अब इस ऊल को हम कट कर देंगे, अब ये पीछे इसे बांध देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये फ्लावर बनके तैयार हो गया, आप देखें हम कितना जल्दी बना लिए, फाइव या सिक्स मिनट में हमारा ये बन गया। तो फ्रेंड्स आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में और नए डिज़ाइन के साथ आपको, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे।